कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से ही अपने फोटो के बैकग्राउंड को चेंज करें। दोस्तों, हम लोग में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास फोटोज हैं लेकिन उसका बैकग्राउंड चेंज नहीं है, जिसके कारण हम लोग कहीं CV बनवाते हैं या फिर कहीं भी हम लोग मेल कराते हैं विदेश जाने के लिए या फिर गल्फ में जाने के लिए, तो हम उसे नहीं दे पाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि फ़ोटो निकालना वगैरह सब आता है लेकिन फोटोशॉप में जैसे मतलब बैकग्राउंड चेंज किया जाता है वो हमें नहीं आता है। तो इसलिए हम आप लोगों को आज बताएंगे कैसे आप अपने फ़ोटो के पासपोर्ट साइज हो या फिर बड़ा वाला फ़ोटो है, फुल फ़ोटो है, उसका भी आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टूडियो में रहते हैं, साइबर कैफे में रहते हैं या फिर कभी भी मोबाइल दुकान में रहते हैं जो फ़ोटो बनाते हैं उसमें रहते हैं या फिर अपने मोबाइल से कभी भी मान लीजिए फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी छोड़ना हो, तो आप उसे बैकग्राउंड आसानी से चेंज कर सके करके और आप आसानी से छोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना वक्त गवाए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। देख सकते हैं, चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैं आपको जल्द से जल्द बताऊँगा कि कैसे आप अपने किसी फोटो फुल या हाफ को या पासपोर्ट साइज को कि बैकग्राउंड को आसानी से चेंज कर सकते हैं और अपने पसंद को चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग इसमें बैकग्राउंड चेंज करने में इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आप मान लीजिए अगर आप फोटोशॉप को खोलते हैं तो फोटोशॉप में काटते काटते आपको बहुत मतलब टाइम लग सकती है। इसलिए किसी भी फोटो को बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हम लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। देख सकते हैं आप इसमें, यह क्रोम ब्राउजर में खोल दिया हूँ, खुल चुका है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे गूगल लिखेंगे, इंटर हो गया। अब हम लोग लिखते हैं यहां पर इसको काट कर remove रिमूव .bg ऐसा लिखते हैं और इसको इंटर करते हैं। देख सकते हैं इसके पहले लिंक पर क्लिक करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। देख सकते हैं इसमें लिखा है हमारा अपलोड फोटो, अपलोड इमेज। यहां से हमें किसी फोटोज को या इमेज को अपलोड करना है। आप देख सकते हैं यहां पर, तो मैंने इस फोटो को अपनी फोटो ले लेता हूं। मैंने अपने इस फोटो को ले लिया, देख सकते हैं मैंने इस फोटो को ले लिया। पहले से इसका बैकग्राउंड चेंज है आप लोग देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके दूसरे कलर पीछे लगाना चाहता हूँ। आप इसमें चाहें तो किसी प्रकार के स्टाइल्स वगैरह या फिर किसी प्रकार के मतलब सिंपल कलर्स भी दे सकते हैं, देख सकते हैं आकि इस फोटो के बैकग्राउंड जो भी है एकदम हट गया है। आपके इंटरनेट पर ही डिपेंड करता है कि आपका फोटो कितना जल्दी तैयार हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट फोटो, फोटोस मैंने दूसरा भी ले सकता हूँ और यहाँ से फोटो अगर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं आप इसको और भी पीछे गहरा कर दे रहा है। देख सकते हैं आप पीछे को और ब्राउन कर दे रहा है, ब्लोर कर दिया और भी ब्लोर। आप एकदम एट्रेक्टिव दिख रहे हैं, इसमें आप सिंपल दिख रहे हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं कलर पे क्लिक करते हैं तो आप इसमें से किसी प्रकार के कलर्स को चूज कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने इसको चूज किया और चाहे तो इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। और जब तक आप इसे डाउनलोड नहीं किए हैं तब तक ये आपका फोटो जो है डाउनलोड नहीं होगा, इंटरनेट पर ही रहेगा। और इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब मान लीजिए हारा लगाना चाहता हूँ तो हारा भी लगा सकता हूँ, देख सकते हैं आप इसमें चाहे तो उजला अगर लगाना चाहते हैं तो इस पर उजला पर जाए क्लिक करना है यहाँ पर और इसको ओके कर देना, उजला भी लग गया। और इसमें चाहे तो इसको लेना चाहते हैं तो इस पर जाकर इसको भी ले सकते हैं, मतलब कहीं भी जाकर किसी भी कलर्स को आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपका फोटो परफेक्ट लगे। ये आपको पहले देखना है, उसके बाद डाउनलोडिंग कर लेना है। और इस पर फोटो पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आप इसमें कितने प्रकार के हमारे पास ये आ चुके हैं फंक्शंस वगैरह आ चुके हैं। देख सकते हैं आप इस पर ये लगाते हैं तो पीछे वाला बैकग्राउंड ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया। ऐसा लगाते हैं तो देख सकते हैं आप देख सकते हैं आप जैसा चूज करेंगे वैसा ही लगेगा। देख सकते हैं आप अगर आप जिस टाइप के फोटोज को चूज करते हैं वैसे ही आपके बैकग्राउंड आएंगे, देख सकते हैं आप। और इसी से आप लोग डाउनलोडिंग करके आसानी से आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ट्विटर पर डाल सकते हैं, जिससे आप एट्रेक्टिव दिख सकते हैं।
आपके लाइक कमेंट्स फ्लोर्स ज़्यादा बढ़ेंगे, देख सकते हैं आप इतने फंक्शन से। और इससे अगर आप डाउनलोडिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए ये हमारा फोटो से इसको मैंने डाउनलोडिंग करना चाहा, तो यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इस पर दे रहा है शेयर इमेज, यानी यहाँ से हम कहीं भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड इमेज, मैंने डाउनलोड कर दिया, देख सकते हैं आप इस पर चला गया है। अब शो इन फोल्डर करके मैं चेक भी कर सकता हूँ, मैंने जैसा फोटो चूज किया था वैसे हमारा डाउनलोड होके तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम चाहे इसको रोटेट भी कर सकते हैं जितना चाहे, और इसे कहीं भी सेंड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपका आपको लगता है ऐसा कि हाँ हमारे लिए ये फायदेमंद है, अच्छा है, तो आप इसे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।